सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आ चुके हैं नए और एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, और ये ब्लॉग एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। आपको बहुत सारे फीचर्स और आपको क्या करना चाहिए, राइडिंग गियर्स, गाड़ी खरीदने के पहले राइडिंग गियर्स परचेज कौन से करने चाहिए, आपके बेसिक्स के ऊपर डिपेंड है, कौन सी बाइक चलाते हो, बेसिक उसका स्पीड, टॉप स्पीड क्या, उस हिसाब से आपको राइडिंग गियर्स खरीदने पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं ट्रैक पे चला हूं, तो मेरा एक नेक्स्ट लेवल है, तो हिसाब से मैं अपना जो सेफ्टी है वे यूज करता हूं। तो हम जाने वाले हैं एल्फिन स्टार, जो कि मुंबई का एक ही एल्फिन स्टार स्टोर है, वसीम भाई का, जो है गोरेगांव में। इस एक ही चीज के लिए जा रहा हूं, जो कि है शूज के लिए। ये शूज मैं ट्रैक पे यूज करता था, ये इसका जो है सोल काफी ज्यादा खराब हो चुका है, ऑलमोस्ट दिखने के लिए नहीं समझ में आ रहा है, पर जब भी मैं फुटरेस्ट पे पैर रखता हूँ तो हल्का सा स्किट होता है, तो मुझे ग्रिप नहीं मिलता ट्रैक पे, तो मेरा पैर हिलता है इसके वजह से, और ऊपर से भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। तो हम शूज लेने जा रहे हैं और हेलमेट का सोचेंगे, तो उधर जाते हैं, देखते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। हमने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे बाइक कार से, क्योंकि बाइक से तो जा नहीं सकते, धूप बहुत ज़्यादा है और मुंबई का क्लाइमेट कभी भी चेंज होता है, कभी बारिश हो सकती है। हम शू लेने जा रहे हैं तो शू वाटरप्रूफ नहीं होते, गिल्ले हो जाएंगे तो फिर खराब हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं होगा, तो इसलिए हम जा रहे हैं बाइक कार। तो ये मेरा प्रॉपर टीम है पूरा जो कार में है, तो संडेज को ऑलमोस्ट सबका ऑफ रहता है, तो संडेज को ऑलमोस्ट हम ऐसा कुछ प्लान करते कि कुछ अच्छा, अगर आप रेस करते हो या कोई इवेंट करते हो, रेसिंग का कुछ इवेंट करते हो, तो एक टीम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि टीम वर्क क्या होता है और कैसे चलता है। तो मेरा पास वीडियो आपने देखा ही होगा, जो व्लॉग थर्ड व्लॉग था जो राहुल ने एडिट किया, तो काफी अच्छा एडिट किया, व्लॉग नंबर 2 सदाम ने एडिट किया, तो अभी काफी अच्छा एडिट किया। तो ये व्लॉग मैं एडिट करने दे रहा हूँ एलन को, जो मेरे बिल्डिंग के पास में रहता है, तो फिर मैं उनको दे रहा हूँ एक चांस एडिट करने का, तो देखते हैं क्या जादू करते हो इस वीडियो में। तो चलो देन, ऑल द बेस्ट एलन, सी या। तो फाइनली जिनका इंतजार था, जिनसे मिलने हम आने वाले थे यहाँ पे गोरेगांव एल्फिन स्टार में, वो आ चुके हमारे वसीम भाई। सो कैसा लग रहा है वसीम भाई? सुपर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर फिल्टर है बीएमसी के, तो मेरे बाइक में भी बीएमसी का ही एयर फिल्टर है, बीएमडब्ल्यू S1000 आराम है। तो इसका एक किट आता है, वॉशिंग किट, जो कि हम एक 5000 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर जैसे आपके चलाने के ऊपर है, तो क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका दम घुट जाएगा ना। तो एक एयर फिल्टर एक मतलब एक सांस लेने की जगह होती है बाइक की, तो उसको क्लीन करने के लिए एक वॉशिंग किट आता है, तो ये वॉशिंग किट है बीएमसी का। जब हम ट्रैक पे जाएंगे उसके पहले क्लीन करेंगे, तो उसके तभी उसका एक ब्लॉग अच्छे से बनाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा कि कैसे क्लीन होता है, और फिर बाइक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देती है। तो ये पूरा किट है, आप देख सकते हैं। तारीख मिलती जा रही है जज साहब, मगर मुझे एयर फिल्टर कहीं मिल नहीं रहा है, एयर फिल्टर तो मुझे यहाँ मिला है एल्फिन स्टार में। अच्छा है, देखो कलम वाली भाई, तुम भी आना अपना टाइपराइटर लेने के, इधर आ जाना एयर फिल्टर लेने को।
शूज भी ट्राई कर चुके हैं बहुत सारे साइजेस, पर मुझको जो साइज पसंद आया है वो है 47, जो मेरा साइज है 47-48 पहनता हूँ मैं, तो ये है SMX X6 एल्फिन स्टार का। तो ग्रिप बहुत अच्छा है और ये लेटेस्ट शूज है और प्रोटेक्शन वाइज भी बहुत अच्छा है। सो एक पैर में तो ट्राई कर चुका हूँ, बहुत कंफर्टेबल है और बहुत इजी टू मूव हो सकता हूँ मैं। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मेरे पुराने शूज का ग्रिप ऐसे सटक रहा था, जब मैं पैर रखता था स्लाइड इस पे फुटरेस्ट पे तो सटक जाता था, तो ये तो बहुत परफेक्ट और पटक से इजी टू रोटेट भी बहुत इजीली हो रहा है और एकदम कंफर्ट वाइज भी एकदम प्रॉपर है। और ब्रांडिंग एल्फिन स्टार ऑब्वियसली, और मेरे सूट पे भी पूरा मैच होगा ये नियॉन कलर, तो नियॉन कलर का मेरा एग्जॉन का सूट है उस पे प्रॉपर मैच हो जाएगा ये। तो शूज तो ले लिए, इसका अनबॉक्सिंग करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका वीडियो आपने देख लिया होगा। तो वसीम भाई से शू ले लिए, तो इसका प्राइस है 30K, पर जो मुझे प्राइस दिया मैं रिवील नहीं करूंगा। रेस्टूड भी अगली बार देख लेंगे क्योंकि रेस्टूड अभी स्टॉक में नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।